हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है तालाबंदी के दौरान घर से अध्ययन करने का अनुभव। तो इस टॉपिक पर आज हम निबंध देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस नाम की एक भयानक महामारी से लड़ रहा है, जिसके कारण दुनिया भर में तालाबंदी लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन के दौरान देश की आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया। इसी कारण से स्कूल व कॉलेज के शिक्षकों को भी सरकार के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया कि सभी छात्रों को इंटरनेट के माध्यम से घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाया जाए, ताकि छात्र अपनी पढ़ाई को सही प्रकार से जारी रख सकें। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम, यहाँ पर बच्चा अपने विद्यालय का नाम लिख सकता है। सभी स्कूलों की भांति लॉकडाउन के दौरान हमारा स्कूल भी पिछले कुछ महीनों से बंद है। अतः सरकार ने तालाबंदी के दौरान यह निर्देश दिए हैं कि अध्यापक हमें इंटरनेट कक्षाओं के माध्यम से घर पर ही पढ़ाएं, ताकि हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकें तथा हमारा भविष्य खराब ना हो। सरकार ने यह कदम हमारी सेफ्टी हेतु ही उठाया है। मैं अपने अध्यापकों व सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने मुश्किल भरे समय में यह कदम उठाया है। इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई मेरा पहला अनुभव है। घर पर रहकर इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना मेरे लिए सहायक सिद्ध हुआ है। इन कक्षाओं के कारण मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित हूँ। इंटरनेट कक्षाओं में हम दोस्तों तथा सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करते हैं तथा अपने अध्यापकों से सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। ऑनलाइन कक्षाएं मेरे लिए बहुत सुविधाजनक थी, क्योंकि इस दौरान मुझे अपने शिक्षक के साथ संवाद करना कभी भी मुश्किल नहीं लगा। इंटरनेट कक्षाएं समय बचाती हैं, इसलिए मुझे यह सदुपयोगी लगी। यह कक्षाएं न केवल सुविधाजनक हैं, बल्कि ऑनलाइन कक्षाओं ने मेरे भविष्य को समृद्ध बनाने में मेरी मदद भी की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।